गोंडा को लगातार स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी। स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया आयोजन। बिजनौर से वापस लौटे छात्रों ने पीएम का जताया आभार। घर वापस आने से बच्चों के घर में खुशी का माहौल। माता पिता ने भी पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। एटा में बर्बरता की हदें पार। कूड़े के ढेर से मिला बेहद शव। ईंट से हत्या कर फोड़ी आंखें, फिर जलाया चेहरा। मुंबई में कोरोना की चौथी लहर से निपटने की तैयारी। बीएमसी ने टास्क फोर्स से मांगे सुझाव। 22 जून तक चौथी लहर आने की दी थी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। एटा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे रोड पर कूड़े के ढेर में एक युवक का शव मिला है। उसकी बेरहमी से हत्या की गई और दोनों आंखें फोड़ गई। वहीं चेहरा किसी केमिकल से जलाया गया। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि रेलवे रोड तिराहा पर कुछ लोगों ने लकड़ी के एक खोखा के पीछे युवक का शव पड़ा देखा। इसके पास ही खून से सनी हुई ईंट भी पड़ी थी। लोगों ने मामले की जानकारी कोतवाली नगर पुलिस को दी। वहां पहुंचकर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुला लिया और सैंपल कराए। आशंका जताई जा रही है कि रात को युवक की हत्या कर शव यहाँ फेंका गया। सीओ सिटी कालू सिंह ने बताया कि युवक का शव मिला है। मौके से सबूत जुटाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। मृतक की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं जहां कूड़े के ढेर में बेहद शव मिला है, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। सैंपल कराए गए और सैंपलिंग ली गई है। आशंका जताई जा रही है कि रात को युवक की हत्या की गई है और शव को यहाँ पर फेंका गया है। साथ ही साथ सीओ सिटी से बातचीत की। सीओ सिटी कालू सिंह ने बताया है कि युवक का शव मिला है। मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी वहां से सबूत जुटाए हैं। मृतक की पहचान कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो एटा से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कूड़े के ढेर में एक शव मिला है, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी अपनी जांच में जुट गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एटा से हमारे संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या है पूरा मामला? जी आसिफ, ये क्या घटना है पूरी? एक शव मिलता है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं, सैंपल लिए जाते हैं, आपकी बात हुई होगी, क्या है पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी, जिस तरीके से बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश को मुक्त बनाना है क्राइम से, वहीं एटा जनपद में लाशों का मिलना थम नहीं रहा है। लगातार दो लाशें लगातार तीन दिन से लगातार मिल रही है। जिस तरीके से आज दो लाशों को प्राप्त हुआ है, कल भी दो लाशें लगातार मिली। इससे पहले जूता व्यापारी की परसों गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सिलसिला जो है लगातार क्राइम का बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा जनपद एटा के अंदर। तो एटा से लगातार जो शव मिल रहे हैं, लगातार जो क्राइम हो रहा है, लगातार जो आप बता रहे हैं कि हत्या की खबरें आ रही हैं, हम तक आप पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? लगाम लगाने में नाकामयाब क्यों है? क्या बता रहा जा रहा आपको? लगातार प्रशासन बात करने के लिए भी राजी नहीं है किसी बात को लेकर। जब हम बाइक करते हैं तो बताया जाता है कि बारीकी से जांच कर रही है। लाशों का सिलसिला जो है लगातार जनपद एटा में किसी न किसी जगह पे, कहीं खेत में शव मिलता है तो कहीं नाले में मिलता है, या किसी गोली मारकर हत्या की जा रही है, या किसी को पेड़ से लटका के मार दिया जा रहा है। तमाम ऐसी जगहों पर हत्याओं के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा बेवत्स और बड़ा गंभीर मामला है। यहाँ पर तो ईंट से पहले आंखें फोड़ी गई हैं, फिर उसके चेहरे को जलाया गया है, तो इसमें कड़ी कहाँ से कहाँ मिलती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है? ये जो आज का जो सिलसिला है, ये यहाँ का रहने वाला नहीं था, जनपद एटा का, जो माना जाए उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं था, जो किसी जगह यहाँ पे काम कर रहा है, इसकी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसकी तरह जिसकी शिनाख्त हो पाई है। इसके परिजनों को पुलिस लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, संपर्क नहीं बन पा रहा। इसका अनुमान लगा सकता है कि किसी जगह ये व्यक्ति काम करता है, या आपसी दुश्मनी कहकर किसी बात को लेकर, रंजिश को लेकर इसका इरादी अंजाम को दिया गया है। ठीक है, पुलिस को अभी तक कोई क्लू मिला है किसी कड़ी को लेकर, पकड़ कर वो जांच कर रही हो किसी तरफ बढ़ती हुई? पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम आने के बाद बारीकी से जांच करेगी और जो भी क्राइम को लेकर गठित टीम करेगी वो तैयार करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आसिफ हमारे साथ जुड़े थे एटा से, जो हमको बता रहे थे कि पुलिस अभी तक तो नाकामयाब है, अभी तक कोई भी ठोस क्लू या ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि आपको बता दें कि एटा में बीते काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार हत्या की खबरें, इस तरीके की खबरें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, इस तरीके की खबरें मिल रही हैं, और पुलिस प्रशासन अभी तक ऐसी घटनाओं में, ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने में नाकामयाब है। तो गोंडा भले ही गंदे शहरों की सूची से उबर ना पाया हो, लेकिन लगातार शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में जिले में आज सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा से आए दिनेश रस्तोगी ने इस विषय पर विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों से संवाद किया। साथ ही जागरूकता के अंतर्गत कई तरीकों से अपशिष्ट पदार्थ, पॉलिथिन का उपयोग ना करने और इनके दुष्प्रभाव की भी विस्तृत जानकारी दी। पीबीआई इंडेक्स में हमारा स्थान पूरे वर्ल्ड में 168 पोजीशन है आउट ऑफ 180 कंट्री, और हमको मार्क्स 28 नंबर भी नहीं 100 में मिल पाए हैं। तो जब रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है तो हम लोग को कुछ करना है, तो हम बच्चों के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, क्योंकि वहां हमारी पहुंच है, तो हम लोग लगे। तो हम बच्चों को सेग्रीगेट करने का कर रहे हैं, पेरेंट्स की वर्कशॉप कर रहे हैं कि कूड़ा तीनों अलग अलग डिब्बों में रखो, खाद बनाने वाला अलग, उससे खाद बनवाओ, जो कबाड़ी को देना है वो कबाड़ी को दो, और जो रैक पिकर से ये जो पॉलीथीन है, रैपर्स हैं, इसको अलग रखो, जिससे कि इससे इको ब्रिक बन सके। और एक कूड़ेदान ऐसा होना चाहिए जिसमें डाइपर, सैनिटरी नैपकिन और जो कूड़ा किसी भी मतलब का नहीं है वो वहाँ डालें, वो नगर पालिका को दें, वो नगर पालिका उससे। एक्चुअली ये प्रयास है, देखिए हम लोग टोटली गवर्नमेंट पे तो डिपेंड नहीं कर सकते हैं चीज़ें के लिए, दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग भी एज सिटीजन्स आगे बढ़े इस चीज के लिए। एंड ये बहुत पहले से ही ये प्लान था, एक तो 18-19 में हमें ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया था, तो ये शुरू से ही था कि कुछ करना है हमें, है ना। लेकिन ये कोविड के कारण हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पाए, एंड सर रस्तोगी सर भी इस चीज से इन्वॉल्व थे बहुत पहले से ही, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिला कि एटलीस्ट हम लोग इस चीज को शुरू करें, है ना। और जो ब्रांड एम्बेसडर हम लोग को चूज किया गया, इसके लिए भी हम लोग को और ज्यादा इस पे ध्यान देना है, तो ये एक कोशिश है। एंड आई एम श्योर कि हम लोग अगर आगे जाएंगे तो वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो वहीं बिजनौर के झालू रोड पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रक के अंदर जा घुसी। हादसे के बाद ट्रक और बाइक में आग लग गई, तो वहीं हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देखते ही देखते दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र स्थित तालाब चौराहे पर बने ओवरब्रिज पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दरअसल तेज रफ्तार कार की टायर फटने से ये घटना घटी है। वहीं इस कार में सवार तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि कार सवार तीनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथरस की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये पलटी हुई कार की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पूरी घटना में तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में यूपी के बिजनौर के छात्र भारत सरकार की मदद से अपने घर वापस आ रहे हैं। दरअसल बिजनौर के नजीबाबाद तहसील के 17 बच्चे यूक्रेन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कल वायुसेना के जहाज से सभी छात्र अपने घर आ गए हैं। वहीं एक छात्र मांझ हसन ने सबसे पहले भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। छात्र ने कहा कि हमें लाने के लिए भारत सरकार और जनपद बिजनौर के डीएम और एसडीएम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वायुसेना का जहाज वहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर लेकर आया है, तो उनका हम धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने विकट परिस्थिति में, इस खतरनाक परिस्थिति में, खौफजदा वाली परिस्थिति में हमारे बच्चे को हमारे तक पहुँचाया, और
यहाँ जिला प्रशासन में हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय कंटिन्यू हमारे परिवार के संपर्क में रहे और उन्होंने हम लोगों को हौसला बढ़ाया कि जल्दी ही प्रदेश शासन तक आपकी बात पहुँच कर एम्बेसी पहुँचेगी और बहुत जल्दी आपका बेटा घर आएगा। SDM साहब भी घर पर भी आए, फ़ोन से भी कंटिन्यू संपर्क में रहें। तो मैंने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री मिश्रा जी और आदरणीय SDM साहब श्री मनोज जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में हमारा हौसला बढ़ाया। हमीरपुर में यमुना नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे ने जलीय जीव की आशंका में धोखे से घड़ियाल को पकड़ लिया। वहीं घड़ियाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मछुआरे ने घड़ियाल के मुंह में बंधी रस्सी को पकड़कर उसे नदी के किनारे ले आया, जिसके बाद घड़ियाल देखने के लिए वहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान युवाओं के रस्सी खेलते ही घड़ियाल यमुना में वापस लौट गया है। संगम की तरफ के रास्ते में वहाँ पर गांव वालों ने कहा कि गांव के किनारे नदी के किनारे पर यह था कि मगरमच्छ निकल आया है, और ये सूचना मिली कि गांव वाले जो है उत्सुक रूप में देख रहे हैं कि क्या है, और कुछ बता रहे थे कि वह मगरमच्छ जो है कहीं से बहकर आया हुआ है। मौके पर मैंने अपनी टीम को और SDO के नेतृत्व में मैंने भेजा तो उन्होंने बताया कि मगरमच्छ जो कि पानी के भीतर ही है वह ऊपर आ चुका था, और ऊपर आने के बाद से गांव में उत्सुकता रही है और लोग इस वजह से उस मगरमच्छ को जो है पानी के भीतर लोगों ने उसको किनारे पर कर दिया था। फिर हम लोग भी जब गए तो वहां पर उसको पानी के भीतर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका था। स्टाफ की रात में ड्यूटी लगाई गई थी जिसमें कि गाँव वाले में कोई चिंता या भय न व्याप्त हो, तो लोगों को सचेत किया गया था कि आप जब नहाने जाइएगा तो ऐसे ही जाइएगा जिस वजह से मगरमच्छ होने से किसी को नुकसान हो। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं,
किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ें कि उन्नाव के असोहा विधानसभा के गांव अजयपुर आज भी विकास से छूता है। इस गांव में रावत जाति के लोग ज्यादा हैं। दरअसल आजादी के बाद से यहां पर जमींदारी समाप्त हो गई। इस गांव के ज्यादातर आदमी बाहर नौकरी करते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी इस जगह विकास नहीं हुआ है। तो वहीं पीलीभीत के पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीएम के गार्ड के डॉक्टर से की अभद्रता करने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि होमगार्ड शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल में कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगवाने पहुंचा था। वहीं डॉक्टर ने गार्ड को नशे में देखकर इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गार्ड ने एसडीएम का पावर दिखाते हुए डॉक्टर से अभद्रता की है। वहीं मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मामले का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये एक इस लड़का, इसको देखो ये कौन है। अरे सुन ले भाई, बत्ती में सुकर ना, तमाशा ना करना यहाँ पे आके। बत्ती में सुकर ना कराई, सुकर ना बताए। शांत हो जाए, शांत हो जाए। हाँ बताओ भैया, ऐसा क्यों? तो हम घटिया है, फलाना है, जो शांत हो जाए। एक मिनट यार, शांत हो, बात करो, शांत। ये ऐसा हुआ था, इनको कुत्तन काट गया। ये इसे लगवा, वीडियो ले लो। ये बोल रहे थे कि भैया साबुन से धुल लो, उसके बाद इसे लगवा देंगे। इनकी बातचीत हो गई थी तो मतलब ये वीडियो बनाने लग गए। तो खूब बना रहे वीडियो, अच्छा वीडियो बना रहे, खूब बना रहे। तमीज से बात करो, तमीज से किन दोनों ने अच्छी खासी। तो ये बोले कि मतलब ये इंजेक्शन लगा देंगे यहाँ से, देखो पूरे पाल फाड़ दिया। अरे हम ठीक है, अब शांत हो जाओ, देख तो लेंगे जो भी बात है। तो फिर क्या हुआ, ये क्या करें? ये कह रहे हम नहीं टीका लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ भागो यहाँ से। तो नहीं कह रहा कि टीका नहीं लगाएंगे, ये भी तो तुम्हारे साथ ही आएगा लड़का। नहीं, हम इनके साथ में सर। अच्छा, हम आरडीएम साहब साथ में रहते वहाँ। हाँ, ये भी तो साथ में आया तुम्हारे। ये तो नहीं कह रहा कि हाँ टीका लगाने से मना किया उन्होंने। नहीं सर, मैं ये कह रहा कि मतलब टीका नहीं, इनने ये कहा था कि दर्द वाला इंजेक्शन हम लगा देंगे, ठीक है, लेकिन हम टीका नहीं लगा पाएंगे। इनके सामने में कह रहा टीका नहीं लगा पाएंगे, हम दर्द वाले लगवा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को 5-5 को मालवानी पुलिस थाने में पेश होना होगा। इससे पहले दिशा के माता पिता की शिकायत पर FIR दर्ज करने के बाद मालवानी थाना पुलिस ने नारायण राणे को 4 मार्च की सुबह 11 बजे बयान दर्ज करने, वहीं उनके बेटे को 3 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने अपने आरोपों को दोहराया था कि सालियान के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई थी, लेकिन सालियान के माता पिता ने इससे इनकार किया था। सहारनपुर के गोपाल नगर कॉलोनी वासी अपनी शिकायत लेकर सहारनपुर नगर निगम पहुंचे। उन्होंने सड़क निर्माण से संबंधित अपनी समस्या से नगर आयुक्त को अवगत कराया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से सड़क चौड़ीकरण होना था। सड़क की चौड़ाई लगभग 4.8 मीटर पास हुई थी, जिसके रहते कॉलोनी वासियों ने स्वेच्छा से अपना 4 फीट का अतिक्रमण हटा दिया था, लेकिन दबंगों की तरफ से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अभी कालडा जी ने बताया कि हमने 3-3, 4-4 फुट तुड़वा भी दिया जो अवैध अतिक्रमण था। तो इस पर मुझे एक शायद याद आता है कि इस घनी छांव से वो कड़ी धूप बेहतर थी, वो तो जिसमें जलाती थी ये रूबी जलाने लगी। अगर हम ये 3-3, 4-4 फुट ना तोड़ते तो वही बेहतर था, क्योंकि पहले ये लोग कह रहे थे कि 2-2 फुट तोड़ दो, हमने 3-3 फुट तोड़वा दिया, 3.5-3 तोड़वा दिया, जहाँ 4 हुआ वहाँ 4 भी तोड़वा दिया। लेकिन अब उसके बाद चाहते हैं कि लोगों के आशियानियाँ गिरा दिया जाए, लोगों को सड़क पर लाकर बेघर कर दिया जाए, तो ये हम नहीं चाहेंगे। हमारी गली में कई वर्षों के बाद सड़क निर्माण के लिए मंजूरी हुई है और 4.8 मीटर की सड़क मंजूर हुई है चौड़ाई में। हमारे नगर जी के निर्देशानुसार सभी गली वासियों ने स्वेच्छा से जो अस्थायी अतिक्रमण था वो हटा दिया है, लेकिन गली के कुछ असामाजिक तत्व हमारे खिलाफ प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन नई नई एप्लीकेशन दे के
बार बार हमको उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारे मोहल्ले की औरतों को ये धमकी दी जाती है कि अब तो ये मकान आपको बेच के जाना पड़ेगा या फिर ये सारा मकान तोड़ना पड़ेगा। हमारी नगर जी से ये मांग है कि गली जहाँ तक बननी है वहाँ तक 4.8 मीटर चौड़ाई की सड़क को बनाया जाए और इसकी जांच की जाए कि जो असामाजिक तत्व हमें धमकी दे रहे हैं उन्होंने 8-8, 10-10 का अतिक्रमण स्वयं अपने घर के दोनों ओर कर रखा है। की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कॉलोनी वासी नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे और उन्होंने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि दबंगों के द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, दबंगों के द्वारा लगातार उनको डराया और धमकाया जा रहा है। तो सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां संयुक्त रूप से सारे कॉलोनी वासी मिलकर नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे। कॉलोनी का नाम आपको बता दें कि गोपाल नगर कॉलोनी है ये। गोपाल नगर कॉलोनी के जो वासी हैं वो एक साथ मिलकर नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे। नगर निगम आयुक्त से उन्होंने संयुक्त रूप से शिकायत की है, लिखित रूप से शिकायत दी है और उन्होंने बताया कि दबंगों के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नगर निगम के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य चल रहा था उसको लेकर अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, तो स्वेच्छा से इन सभी कॉलोनी वासियों ने अतिक्रमण को हटा दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब दबंगों के द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है। नैनीताल के डीएम धीरज सिंह गर्बयाल ने बताया कि आने वाले 10 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना निर्धारित की गई है, जिसके चलते किसी कर्मचारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके लिए नैनीताल के हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज सभागार में मतगणना कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम पावर प्रेजेंटेशन के जरिए मास्टर ट्रेनरों की तरफ से 2 पालियों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कर्णप्रयाग में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 9.98 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे की तरफ से नशे और ड्रग्स के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।